Hello everyone, welcome back to Teach Me Cloud. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So guys, जैसा हम जानते हैं कि last दो दिन से हम VMware 6.5 की वीडियो पे काम कर रहे हैं और जिसमें से एक वीडियो आप पा चुके हैं already, जिसमें हमने देखा था identification of vSphere 6.5, installation देखा था, virtual machine creation देखा था और साथ ही साथ virtual machine के अंदर हम कितनी फाइल्स होती हैं डेटाबेस में जाकर के फाइल्स के बारे में देखे थे, चेक किए थे कि किस फाइल का क्या काम है. ये जो वीडियो है ये सेकंड क्लास आप बोल सकते हो, लेसन टू है अपना वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी उस वर्चुअल मशीन में कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, तो मेन जो मोटो है अपना इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि हाउ टू ऐड आवर वर्चुअल मशीन, हाउ टू माउंट, क्योंकि वर्चुअल मशीन क्रिएट करना हमें पता हो गया है, हम देख चुके हैं. तो वी कैन से दैट माउंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्चुअल मशीन, जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है उस वर्चुअल मशीन में हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को माउंट करते हैं. ठीक है, तो प्रोसीजर देखते हैं क्या है. ये अपने पास ESXi 6.5 का सेटअप मीन्स मशीन, इसको हम एक्सेस करते हैं अपने वेब क्लाइंट के थ्रू. आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जस्ट इंटर, और ये अपने पास डिटेल है, ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास GUI के केस में विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट. हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन के पार्ट में जाते हैं. ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, लेकिन हम अभी के प्रैक्टिकल के लिए एक वर्चुअल मशीन हम और क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन विंडोज 7 मशीन या विंडोज 10, कुछ भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, विंडोज 7 हमने सेलेक्ट किया. गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको करना है यहाँ पे विंडोज, और विंडोज में आप अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड किए हैं 64 bit, वो हमने प्रोसीड किया. डेटा स्टोर है, सेलेक्ट द डेटा स्टोर, और यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है ना, हम हार्ड डिस्क 12 GB का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि अपने पास उतना स्पेस है नहीं. और यहाँ पे आपको कर देना है थिन प्रोविजन ताकि आपकी जितनी ही रिक्वायरमेंट हो उतना ही स्पेस कंज्यूम हो. नेक्स्ट और फिनिश. तो हमारा जो पर्पज है बेसिकली, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की, इस वर्चुअल मशीन में अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट. तो हमें क्या करना है, अपने इस वर्चुअल मशीन के ऊपर कॉन्फिगर करना है, इंस्टॉल करना है एक OS. सो ये अपने पास विंडोज 7 जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट की, OS इंस्टॉल करने के लिए हमें VM को टर्न ऑन करना पड़ेगा. एंड टर्न ऑन करने के बाद हमें, दिस इज द कंसोल ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, ये अपने पास वर्चुअल मशीन का कंसोल है. मशीन ऑन होने के बाद हमें एक्शन पे क्लिक करना है. एक्शन पे एडिट ऑप्शन पे जाएंगे. एडिट ऑप्शन करने के बाद ये पूरा का पूरा डिटेल है अपने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे CD एंड DVD, राइट. इस ड्राइव में दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे आपको, होस्ट डिवाइस एंड डेटा स्टोर ISO इमेज. तो दो तरीके हैं अपने पास ISO इमेज को माउंट करने के लिए. एक होस्ट डिवाइस इन द सेंस कि आपके उस ESXi में जहाँ पे आपका ESX इंस्टॉल है, उस ESXi में CD लगा हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा रखे हैं या पेन ड्राइव लगा रखे हैं. लेकिन डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर इन द सेंस 90% ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, ISO फाइल्स है, वो डेटा स्टोर में रखती है. तो आपको यहाँ पे डेटा स्टोर पे सेलेक्ट करना है, और डेटा स्टोर पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम यहाँ पे एक बार इसको चेंज करते हैं. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द डेटा स्टोर. आप जैसे डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जितने भी डेटा स्टोर होंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है. अगर वो ISO इमेज नहीं है, आप 1-to-1 प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये अपलोड का ऑप्शन है, इस अपलोड पे क्लिक करना है आपको. और अपलोड करने के बाद जो भी ISO इमेज चाहिए, जैसे अपने पास विंडोज XP है, 7 है, 10 है, सर्वर है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज है आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट चूज पे कर देना. तो ये अपने आप ये अपलोड हो जाएगी उस डेटा सेंटर के अंदर. तो हमने पहले से अपलोड कर रखी है एक अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन, तो इसको सेलेक्ट करते हैं. और सेलेक्ट करने के बाद आप इन्वायरमेंट को सेव करेंगे. सेव करने के बाद जो कंसोल आपका ब्लैक कलर का ओपन हुआ है, उस कंसोल पे आप क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे, राइट. आपने जैसे इंटर प्रेस किया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना स्टार्ट कर दिया. इस टाइम पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, वो आपके डेटा सेंटर में रखी हुई ISO इमेज से आ रहा है, राइट. तो ये प्रोसीजर है, ये स्टेप्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो वर्चुअल मशीन आपने ESXi 6.5 पे बनाया है, उस ESXi के ऊपर, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को माउंट करना है.
जैसे नॉर्मल टाइम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने का, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी, कि इट विल बी टेक अप टू 8 to 10 मिनट. सो 8 से 10 मिनट का टाइम लेगा, ये नॉर्मल बेसिक ही इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर रहेगा. जैसे आप ऑन प्रमाइसिस पे इंस्टॉल करते हो सारे स्टेप्स फॉलो करके, वैसे ही आपको वर्चुअल मशीन में भी इसके स्टेप को फॉलो करना है. ठीक है, ये पहला टास्क होगा अपना. और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि VMware में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, जो इसकी एडिटिंग होती है, जिसमें रैम का चेंजेस होना है या हार्ड डिस्क का चेंजेस होना है, उनको कैसे मैनेज करते हैं. तो हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे नॉर्मल OS आपका टाइम लेता है. ऑन प्रमाइसिस पे जब आप इंस्टॉल करते हो तब भी वो 15 से 20 मिनट का टाइम कंप्लीटली चाहिए उसे. तो नेक्स्ट, अभी हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कस्टम करते हैं. 12 GB हमने हार्ड डिस्क स्पेस दिया था, तो यहाँ पे 12 GB ऑलरेडी है आपके पास, जस्ट क्लिक इंस्टॉल. ठीक है, तो अब ये टाइम लेगा अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का टाइम. तो 10 मिनट के अंदर अपना सिस्टम जो है, इन्वायरमेंट जो है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, OS इंस्टॉल हो जाएगा, देन विल प्रोसीड. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी, तब तक के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और फिर जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है हम आगे स्टेप बता देंगे. क्योंकि यहाँ पे अभी आगे हमें कुछ नहीं करना है, कोई नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्टली अपना इंस्टॉल होगा, मशीन रिस्टार्ट होगा, और मशीन रिस्टार्ट होने के बाद अपना सिस्टम रन कर जाएगा. तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि टाइम बचे आपका. ओके, सो अब हमने जो प्रोसीड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 का, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. हमें कुछ सेटिंग्स है जिसे यूज़र बनाना, वो सब हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने मशीन में. देन विल प्रोसीड कि आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब आप फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो कौन कौन सी सेटिंग मैंडेटरी है जो आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आप उस वर्चुअल मशीन को उस वर्चुअल मशीन से RDP, उस वर्चुअल मशीन का RDP या VDI बाहर से नेटवर्क इन्वायरमेंट से एक्सेस कर सकें. तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, वर्चुअल मशीन जब तक टर्न ऑन प्रॉपर तरीके से हो नहीं जाती, लॉग इन नहीं हो जाती, हम वो एक्टिविटी नहीं प्रोसीड कर सकते. ओके, तो सक्सेसफुली अपना विंडोज 7 इंस्टॉल हुआ. यहाँ पे आपको कोई सा भी नेम डिसाइड कर लीजिए, यूज़र नेम है ये टेस्ट PC, जस्ट क्लिक नेक्स्ट. और अगर आप पासवर्ड प्रोसीड करना चाहते हैं, यू जस्ट टाइप द पासवर्ड, पासवर्ड हिंट एंड नेक्स्ट. इंस्टॉलेशन के बाद OS कंप्लीट पूरी तरीके से इंस्टॉल होने के बाद, जो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, आपको इस मशीन के ऊपर VMware टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप VMware टूल इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप इस वर्चुअल मशीन की IP एड्रेस नहीं मिलेगी, आप इसका स्नैपशॉट नहीं ले पाओगे, आप इसको इसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप इंस्टॉल होने के बाद, इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद, यू नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल. सो VMware टूल को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर ये है, क्योंकि आपका ना माउस प्रॉपर काम करेगा, ना रैम काम करेगी. तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट राइट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, गो टू द गेस्ट, और यहाँ पे आप देखो गेस्ट के बाद देखो तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इंस्टॉल VMware टूल. इंस्टॉल VMware टूल पे क्लिक करने के बाद आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, जो वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल की. आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, ये आप VMware टूल की एक CD बन के आ जाएगी. राइट क्लिक करें एंड इंस्टॉल करें. ओके, VMware टूल पे आप इंस्टॉल करना है, क्लिक यस. ठीक है, और इंस्टॉलेशन के बाद आपकी वर्चुअल मशीन प्रॉपर तरीके से रन करने लगेगी. आप इसका VDI के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इस मशीन का RDP प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से रेडी टू यूज़ हो जाएगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप OS इंस्टॉल किए. OS इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही OS आपका प्रॉपर तरीके से रन कर जाता है, यू नीड टू इंस्टॉल VMware टूल, जिससे आपके जितने भी ड्राइवर्स रहेंगे, ग्राफिक के ड्राइवर, लैन कार्ड के ड्राइवर, या फिर आपका माउस और कीबोर्ड के ड्राइवर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं. और इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक IP एड्रेस आ जाएगी, उस IP के थ्रू आप इसका RDP और आप इस वर्चुअल मशीन का
VDI भी क्रिएट करके शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा रहा आपने इस वीडियो का, जिसमें हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ESXi 6 के ऊपर जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर कैसे OS को इंस्टॉल करते हैं या OS को माउंट करते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी, जिसमें हम रैम को ऐड करना, हॉट प्लग को अनेबल करना या अदर सर्विसेज जो होती हैं, RDM को अटैच करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। बट वी नीड टू वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपेयर करके देन विल अपलोड। ओके, सो आई होप कि आपको इसमें जितने भी स्टेप्स हैं OS को माउंट करने के, वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आप कमेंट करिए, विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द VMware टूल, मशीन विल बी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, आपकी रीस्टार्ट होगी, नॉट टर्न ऑफ, रीस्टार्ट के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ तरीके से रन करेंगे। सो ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर टू इंस्टॉल अवर, टू माउंट अवर ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन ऑफ ESXi 6.5, और फिर उसके बाद हमने VMware टूल इंस्टॉल किया, जस्ट फिनिश एंड रीस्टार्ट, राइट। तो ये प्रोसीजर हुआ। आई होप यू लाइक अ वीडियो। थैंक यू।